ये मेरे लिए राजनीति नहीं है, ये मेरे लिए लाइफ मिशन है, इसको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। और मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जो कांचा जी ने कहा आप लिख लो, आप लिख लो, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो हम देश में जातिगत जनगणना शुरू करेंगे, लिख कर रख लो इसे, कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही जातिगत जनगणना शुरू होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब अडानी की गारंटी, जबकि कांग्रेस की गारंटी किसानों, मजदूरों और युवाओं की सरकार की गारंटी। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती देश में जातिगत जनगणना शुरू कराई जाएगी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब अडानी की गारंटी, कांग्रेस का मतलब है किसानों, मजदूरों और युवाओं की सरकार, यही फ़र्क है। नरेंद्र मोदी की गारंटी और सरकार अडानी जी चलाएंगे और उन्हीं के लिए काम करेगी, जबकि हमारी गारंटी है कि सरकार किसान, मजदूर, पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी के लिए काम करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि वह आपके हिस्से का पैसा अडानी जी की जेब में डालते हैं, हम गरीबों की जेब में डालते हैं।